सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। दोस्तों अगर 150 सीसी में एक प्रीमियम एंड एक ही साथ में एक वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल की प्रोपोजिशन है तो आज की तारीख में यामा FZ वर्शन 3 में आपको ये सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो मैट सियान कलर आप देख रहे हो ये खास करके 2024 में नया आया है कंपनी की तरफ से और आपको FZ वर्शन 3 में ये वाली कलर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और दोस्तों आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं SNC यामाहा उद्योग में जो कि दासनगर हावड़ा में है और शोरूम की पूरी जो डिटेल्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हावड़ा या कोलकाता से है यामाहा की कोई भी गाड़ी लेनी है या फिर हाई कैपेसिटी की कोई गाड़ी लेनी है तो आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमको सपोर्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे 150 सीसी में देखें तो कंपटीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत ही टफ कंपटीशन है क्योंकि बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है। इनमें से भी आपको अगर बहुत ही ज़्यादा इंजन रिलायबिलिटी, कंफर्ट, ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी इन सब चीज़ें चाहिए और ऊपर से आपको कोई सस्ती बाइक नहीं लेनी है तो आप लोगों के लिए यामाहा FZ वर्शन 3 एक बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा ऑप्शन है। दोस्तों इसमें सिंगल चैनल ABS लोडेड आता है और इसका वर्शन 4 भी अवेलेबल है लेकिन वर्शन 4 थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है। तो अगर आपके पास एक बजट जो है वो लिमिटेड है, आप ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्वालिटी मिलनी चाहिए ऐसा आपको मानना है तो आपको यामाहा FZ वर्शन 3 की इस गाड़ी के साथ जाना चाहिए। और ऊपर से जो लुक है दोस्तों, लुक भी आपको एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केट में जो चलता है वही सेम लुक्स देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल रोड प्रेजेंस भी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी क्योंकि यामाहा की रिलायबिलिटी, ओवरऑल इसकी जो रीसेल वैल्यू है और ओवरऑल इंजन की जो कैपेसिटी है सब कुछ आपको सेटिस्फाई कर देगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन की, तो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 2-वेल फ्यूल इंजेक्टेड ब्लू कोर 149cc की इंजन है। अपने सेगमेंट में सबसे अंडर पावर्ड होने के बावजूद भी आपको अप टू 80-90 किलोमीटर्स पर आवर की बहुत ही बढ़िया सा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये स्ट्रगल करता है। 12.2 BHP का पावर है एट 7250 RPM और 13.6 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क है एट 5500 RPM। सिर्फ आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, कोई किक स्टार्ट के ऑप्शन बहुत दिनों पहले ही चल गया था। E20 अपडेटेड है तो ऑब्वियसली आपको जितने सारे पॉल्यूशन नॉर्म्स है उसमें भी ये अपडेटेड है। बात करें दोस्तों हेडलैम्प यूनिट की, तो हेडलैम्प यूनिट आपको वही पुरानी वाली देखने को मिल जाएगी जो कि स्प्लिट टाइप का है, ऊपर आपको हाई बीम देखने को मिलेगा। वैसे सिटी के लिए आपको अच्छा खासा हेडलैम्प की रोशनी देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको नॉर्मल बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। अब इंजन रिलायबिलिटी की और बात करें दोस्तों, तो अराउंड 50 से लेकर 55 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज देती है क्योंकि मैं खुद वर्शन 2 यूज़ करता हूँ तो अगर आप अच्छी तरीके से गाड़ी को चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके का इसका माइलेज जो है आपको मिल जाएगा। क्लोज टू 60 ये जाता है अगर आप हाईवे में भी अराउंड 50 से 60 तक राइड करते हैं। तो पीछे की बैकलैम्प यूनिट को देखें तो ये एक स्टाइलिश बल्ब यूनिट है लेकिन अगर आपको LED लेना है तो आपको वर्शन 4 के साथ जाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंफर्ट फैक्टर भी बहुत अच्छा है क्योंकि फैली हुई हैंडल बार्स है, काफ़ी लाइट क्लच है और आपको अच्छा खासा फीडबैक मिल जाएगा फ्रॉम द स्विच गियर। अभी ये जो हैंडल बार है दोस्तों, हैंडल बार थोड़े से पीछे की तरफ खींचा गया है राइडर की तरफ ताकि जो बैठने में आसानी रहे और ओवरऑल अगर आपका अगर कंफर्ट देखे या फिर राइडर्स ट्रायंगल देखे तो वो भी अच्छी तरीके से बना रहे। की स्लॉट आपको टैंक के ऊपर मिलेगा। अब आते हैं मीटर कंसोल पर, तो मीटर कंसोल यूनिट ज़्यादा आपको एडवांस मिलेगा वर्शन 4 पे। इस पे आपको ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा तो है मीटर कंसोल लेकिन थोड़ा सा ये आउटडेटेड लगता है क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। नॉर्मल आपको स्पीड, ओडोमीटर, टैकोमीटर, दो अलग अलग ट्रिप मीटर्स, फ्यूल इंडिकेशन, इको इंडिकेटर, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आप फ्यूल जो इंडिकेशन है और बाकी सारे जो क्लॉक वगैरह है ये सब कुछ और सारे टेल लाइट्स ये सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। कोई भी चार्जर इसके साथ अवेलेबल नहीं है बट अगर आप चाहे तो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अगर हम टैंक को देखें तो टैंक बहुत ही बड़ा सा टैंक है और 12.8 लीटर्स की टैंक की कैपेसिटी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ओवरऑल राइडेबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे मिरर्स दिया गया है जो कि शार्प है और पीछे का जो व्यू है आपको नॉर्मल अच्छी तरीके से दिख जाता है। आगे अगर आप चाहे तो आप विंडशील्ड लगा सकते हो क्योंकि बहुत लोग आगे की तरफ विंडशील्ड लगाते हैं। टैंक जो है दोस्तों रोड नेकेड या फिर स्ट्रीट नेकेड बाइक्स की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ें होती है और जो लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स FZ को कहा जाता है वो मेनली इसकी टैंक के लिए ही कहा जाता है। तो आगे आपको कुछ एयर स्कूल्स बना हुआ दिखेगा, इसके ऊपर FZ वर्शन 3 की बैजिंग दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 12.8 लीटर्स, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 50 से 52 किलोमीटर्स पर लीटर से तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके का एक टैंक रेंज जो है मिल जाता है और एक बिग बाइक चलाने का फील भी आपको आ जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सीट की, तो सीट यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, फैली हुई है, सिंगल पीस सीट है, इजीली आप अपने फैमिली को लेकर ट्रैवल यहाँ पे कर पाएंगे, जा पाएंगे। 790 mm सीट हाइट है तो कि ताकि जो
थोड़े से शॉर्ट हाइटेड राइडर्स भी है 5'4" या 5'5" उनके लिए भी सीट एक्सेस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंगल पीस ग्रैब हैंडल है तो कम्यूटर्स फेवरेट जितनी सारी चीज़ें हैं, लंबा सीट, कंफर्टेबल सीट, सिंगल पीस सीट, पिलियन कंफर्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर सॉफ्टनेस के साथ साथ मिल जाएगा। अब दोस्तों व्हील बेस जो है ये 1330 mm का है तो ओवरऑल रोड स्टेबिलिटी आपको अच्छा मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर दिया गया है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये अराउंड 160 mm है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से जस्ट अबाउट ओके। और गाड़ी की ओवरऑल जो वेट है 135 kg है, इसीलिए पावर टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही अच्छी तरीके का मिलता है। आगे आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, दोनों ही तरफ आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेगा। अब आगे की तरफ 100/80 सेक्शन का टायर है और 282 mm का डिस्क दिया गया है ABS के साथ। अब दोस्तों इस गाड़ी की जो ब्रेक्स है ये वन ऑफ दी बेस्ट या फिर दी बेस्ट ब्रेकिंग वाली बाइक आप इसके सेगमेंट में कह सकते हो, क्योंकि बेस्ट ब्रेकिंग देती है। और पीछे की तरफ आपको एडजस्टेबल हाइड्रोलिक मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा जो कि आप 7 बार तक एडजस्ट कर सकते हो 120 mm ट्रैवल के साथ। पीछे आपको 140/60 का रेडियल 17 इंचेस का टायर दिया गया है और पीछे आपको नॉर्मल 220 mm का डिस्क देखने को मिलेगा। ABS की इंटरवेंशन अच्छा है, पीछे आपको एक छोटा सा टायर हगर मिलता है और सिटी के हिसाब से ट्यून्ड है। कोई ऑफ रोड में अगर आप ज़्यादा ले जाएंगे तो वो उतना ज़्यादा एडवाइसेबल नहीं है, तो नॉर्मल सिटी एंड हाईवे में ही आप ज़्यादातर इस गाड़ी को चलाएंगे तो ये ठीक रहेगा। शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट भी आपको एक देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ज़्यादातर ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए ही है और जो यंगस्टर्स है उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी तरह का ये बाइक बन जाता है। और दोस्तों खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी उतना ज़्यादा इशू नहीं है, और साथ ही में दोस्तों जिन लोगों को प्रीमियम एक लुकिंग बाइक चाहिए और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या रिलायबिलिटी या स्मूथनेस के साथ जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और जो लोग कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में राइड भी नहीं करते हो, उनके लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। एक पावर कम्यूटर एंड ओकेशनल टूरर के हिसाब से आप FZ Version 3 को यूज़ कर सकते हो। यामा की पार्ट्स जो है वो थोड़े से महंगे आते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ओवरऑल गाड़ी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, आप अपने थॉट ज़रूर बताइए, कलर कैसा लगा ज़रूर बताइए। आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ़।